Hey guys, very good morning and welcome back to the channel again. So, आज मैं आया हूँ यमहा के शोरूम जो कि देवा रोड पे है. जो लोग लखनऊ में रहते हैं वो जानते होंगे. फिलहाल ये शोरूम है और ये डिटेल है, ऋषभ ऑटोमोबाइल इसका नाम है. तो जो लोग इस रोड पे रहते हैं या इस एरिया में रहते हैं वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं बाइक्स खरीदने के लिए. फिलहाल आज FZS BS6 मॉडल का रिव्यू और टेस्ट राइड देखना है कि परफॉर्मेंस कैसी है. थोड़ी सी जो पावर डिक्रीज हुई है, जैसे मैंने R15 का चेक किया वैसे ही चेक करना है. जो पावर डिक्रीज हुई है उससे ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं आया बाइक पे. तो चलते हैं राइड करते वक्त, फिर बात करते हैं. राइडिंग FZS. तो ओवरऑल बाइक काफ़ी स्मूथ चल रही है और बहुत मज़ेदार, मतलब बहुत मज़ा आ रही है इस बाइक को चला के. तो अभी इस FZS की पावर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इसकी स्पीड कितनी है. वैसे इसका मीटर काम नहीं कर रहा है तो GPS GoPro का जो है वो, और साथ में ये बाइक चलेगी. एक्चुअली हेलमेट भूल गए हैं, ये वहीं पर रखा था और वापस शोरूम जाना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है. तो ये ब्लैंक रोड हम लोग को मिली है, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर कोई रश नहीं है. तो यहाँ पे टेस्ट करेंगे उसके बाद चलेंगे. लेकिन आप लोग ध्यान रखना, सेफ राइड करो, हेलमेट पहन के चलो. ये बहुत इमरजेंसी है, मतलब जाने में दिक्कत है थोड़ी सी, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं. तो चेक करते हैं. बहुत बढ़िया पिकअप है बाइक में. और अभी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर चैलेंज करेंगे इससे. तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट गियर में ये 40 जा रही है जैसा कि बगल में चल के बता रहे हैं. सेकंड गियर में देखना कितनी है.
बाइक चलाने के बाद कुछ कमियां मुझे फील हुई बाइक में और कुछ फ़ायदे भी अच्छे लगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें चेंजेस क्या किया इन्होंने। सो इस बाइक में यमहा ने कोई ख़ास मेजर चेंज नहीं किया है। इसकी पीएस पावर और न्यूटन मीटर टॉर्क थोड़ा सा कम किया है, बहुत ही माइनर सा चेंज है वो। और फिल्टर अगर आप देख लें यहाँ पे, ये सारी BS6 बाइक में फ़िल्टर आ रहा है यहाँ पे। एग्जॉस्ट के साथ एक फ़िल्टर दे रहे हैं ताकि पॉल्यूशन जो है वो BS6 नॉर्म्स के हिसाब से हो जाए और पॉल्यूशन बहुत ही कम हो जाए। सो बाइक चलाने के बाद मुझे फ़ील होता है कि बाइक बहुत स्मूथ है, बहुत प्यारी आवाज़ कर रही है। अगर आप साउंड देख लें तो साउंड बहुत ही प्यारा और स्मूथ साउंड है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं लगे बाइक में मुझे। इनका जो मीटर कंसोल था उसमें कोई चेंज नहीं आया है, बिल्कुल सेम मीटर है। कमी मुझे ये फील हुई कि जो इसकी टॉप स्पीड है वो काफ़ी स्लो है। मतलब अगर 150 सीसी की बाइक जैसे कि R15 इन्होंने बनाई है वो इतनी फास्ट है, वो रेसिंग टाइप है, VVA टेक्नोलॉजी है, बट FZS में ये सारी चीज़ें नहीं है। ये आप डेली कम्यूटिंग के लिए ले सकते हो एज अ सिटी पर्पज, बट अगर आप रेसिंग बाइक चाहते हो तो R15 मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि टॉप स्पीड इसकी बहुत ही कम है। बहुत देर तक मैंने एक्सेलरेट किया तो भी इसकी टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई, 7-8 RPM पे जाके रुकी हुई थी काफ़ी देर तक। तो ये चीज़ एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग चेक कर लेते हैं। सो ब्रेकिंग बाइक की अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, अच्छी बाइट है ब्रेक्स में। मतलब ब्रेक इंस्टेंट क्विक रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो ब्रेकिंग भी अच्छी है। तो अगर आप लेना चाहते हो, एक्चुअली कॉस्ट तो इसकी काफ़ी कम है R15 से, तो डेली कम्यूटिंग के लिए आप R15 की जगह ये प्रिफर कर सकते हो। बट अगर आपको रेसिंग टाइप चाहिए तो आप R15 के साथ जाओ, क्योंकि वो बेस्ट है इस चीज़ में। सो एक छोटी सी कमी है इस बाइक में, ओवरऑल पूरी बाइक बहुत बढ़िया, बस एक छोटी सी कमी है जो यमहा को और ध्यान देना चाहिए। जैसे पहले R15 में ये फंक्शन नहीं था, लेकिन अभी न्यू BS6 में R15 में भी ये फंक्शन आ गया है, तो उन्हें FZ में भी ये फंक्शन देना चाहिए। एक्चुअली जब बाइक स्टार्ट होती है और हम साइड स्टैंड लगाते हैं तो बाइक को ऑफ होना चाहिए, सेफ्टी फीचर है ये, एक R15 में आ गया है बट FZS में नहीं आया अभी तक, तो यमहा को इसमें भी देना चाहिए ये फीचर। तो बाकी ओवरऑल बाइक पूरी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और ये वो शोरूम है, डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेक कर सकते हो, जिसको चाहिए वो परचेज कर सकता है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स आते रहते हैं।